Myself rakhi assistant professor in the department of electronics and communication engineering in abs engineering college ghaziabad affiliated to dr A.P.J. abdul kalam technical university lucknow in today's lecture series of the optical communication i am going to have going to deliver my lecture on the cylindrical fiber modes in this particular lecture series uh, series i am going to have a Going to cover the following topics. The first one is the cylindrical fiber modes, then, uh, then wave equations, solution of wave equation as per the cylindrical fiber mode, and then Bessel function solution, V number, leaky and the guided mode. Now, the first consideration why it is why we are why we are studying the cylindrical fiber mode. Already we have gone through the mode, what is the mode and in the general perception, but we are studying the cylindrical fiber mode because the structure of the waveguide which we have in the case of a optical fiber communication, it is basically of the cylindrical shape. The optical fiber, विच इज आवर वेव गाइड इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप इज ऑफ द सिलेंड्रिकल सो आवर एनालिसिस द कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर प्रबोकेशन इज गेट्स इनकम्प्लीट अनल वी कंसिडर द सिलेंड्रिकल फाइबर मोड्स नाउ द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ मैक्सुअल इक्वेशन फॉर द सिलेंड्रिकल डेलबेरी ऑफकोर्स जब सिलेंड्रिकल के स्ट्रक्चर के लिए जब हम एग्जैक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दैट सॉल्यूशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स रिजल्ट नाउ इन कॉमन विद द प्लानर वेव गाइड प्लानर वेव गाइड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स की प्लानर वेव गाइड वो होता है जब आपकी डिपेंडेंसी आपका जो क्लैडिंग होता कोर होता है दैट इज सैंडविच बिटवीन द क्लैडिंग इन वनली वन डायरेक्शन एंड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वनली सिंगल कोऑर्डिनेट is called as the planar one. So, again, again we are considering here for our analysis a planar waveguide. So, so, in the uh, planar waveguide when we are considering we are talking about the TE and the TM modes. T stand for transverse electric and the TM stand for the transverse magnetic mode. Transverse electric means uh, our electric field इज इन द डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा दैट्स मीन्स इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन अवर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज ऑफ द जेड डायरेक्शन डेट इज इज जेड डज नॉट एग्जिस्ट सिमिलर विद द टी एम दैट इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में एच जेड का कंपोनेंट नहीं होगा और कंपोनेंट्स होंगे कि हमारा हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन जेड डायरेक्शन अब, अब सिलेंड्रिकल वेव गाइड इज बॉन्ड इन टू डायमेंशन देयर फोर एल और एम दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए दैट्स वॉ इट इज रिटन एस टी एल एम एंड टी टी एम एल एम एम एल होता है जो सरकमफ्रेंस के सराउंडिंग में जो फील्ड होते हैं उसको डिनोट करने के लिए और एम होता है एज पर द रेडिय रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होते हैं उसको डिनोट करने के लिए तो बोथ हैव गॉट द सिग्निफिकेंस एल फॉर द सर्कम्फ्रेंस एरिया एंड एम फॉर द रेडियल एरिया ये कहां से आती है फ्रॉम द मेरिडोनियल रे वी हैव डिस्कस द मेरिडोनियल रे एंड द स्क्यू रेज मेरिडोनियल रे विच क्रॉसेज दू रेज डॉट क्रॉसेज द फाइबर ray. रे हाइब्रिड where वेयर इजेड एंड एच जेड आर नॉन जीरो रिजल्ट अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसमें टी के केस में जेड ई का कंपोनेंट नहीं होता टीएम के केस में एच का कंपोनेंट नहीं होता बट जब ई जेड और एच जेड का नॉन जीरो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द स्क्यू रेज ये कंडीशन था मेडोनियल रेज के साथ और यहाँ था आपका स्क्यू रेज के साथ है तो अब जब ये कंडीशन कंसिडर हो रहा है तो दैट मोड इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड मोड हाइब्रिड मोड में क्या होता है द फील्ड इन द रेडियल एरिया एच ई और ई एच का सिग्निफिकेंस तो -E e क्या है कि दोनों फील्ड आपकी एग्जिस्ट कर रही है पहले केस में क्या था आइदर e, अगर हम टी का कंसिडर कर रहे हैं

एच ई को जब हम बात करें डैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज मोर सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तब वो हम एच ई लिख देंगे वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर सिग्निफिकेंट दैन द मैग्नेटिक फील्ड तब हम ई EH एच लिख देंगे तो इज दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ई एच एन ई एच जिसका जितना ज्यादा जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्रपोगेशन में उसे हम पहला नाम देंगे और जिसका लेस है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन उसको हम दूसरा मन तो ये है आपका ई एच और एल एच ई का सिग्निफिकेंस नाउ हम इसकी एनालिसिस जो करेंगे तो अफकोर्स हम कुछ एनालिसिस को करने के लिए कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर चुके हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज तो उसमें हमने जो लिया है डाट इज वीकली गाइडेड वेव को लिया है एंड वो कंस वीकली गाइडेड वेव कब होता है वेन डेल इज वेरी वेरी लेस देन वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल इज अवर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बहुत बहुत कम होता है वन से एंड जो एंगल होता है डेट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल तो हमें जो अब इक्वेशंस जो सोल्यूशंस मिलेगा सब कुछ मिलेगा डैट इज नॉट एग्जैक्ट सोल्यूशंस और हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अब ई एच ई ये सारे छोड़ के हम एक अप्रॉक्सिमेट नॉन एग्जैक्ट कंडीशन एल पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ फंडामेंटल मोड्स के लिए एग्जैक्ट रहेगा बाकियों के लिए दिस विल बी नॉट नॉन एग्जैक्ट कंडीशन तो ये होगा ऑफकोर्स डेल अब तो इसमें हम क्या मानेंगे एच ई एंड ई एच मोड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द जीन जनरेट मोड हमने मान लिया कि सारे जो हमारे फील्ड्स हैं हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे वी आर गोइंग थ्रू द नॉन एग्जैक्ट सॉल्यूशन और नॉन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम जब निकाल रहे हैं देन वी आर गोइंग थ्रू द टर्म ऑफ एलपी पहले हम ईएच एचई और टीएम टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे बट अब हम सिर्फ एक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे डेट इज एलपी एलपी स्टैंड फॉर लीनियरली पोलराइज्ड अब जब ये सारे डिजेनरेट मोड हो गए सबको एक कॉमन प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन एल पी मोड में होगी और कन्फिगरेशन उसके और दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजेनरेट मोड जो है एक सिंपलीफिकेशन एक सिंपलीफाइड मेथड है फॉर द एनालिसिस ऑफ अ वीकली गाइडिंग मोड तो वीकली गाइडिंग मोड के लिए एनालिसिस के लिए जो हमने सिंप्लीफाइड स्टेप लिया दैट इज वी आर कंसिडरिंग ऑल द मोड्स एज अ डिजेनरेट मोड ऑफ द सिमिलर कंडीशन जिसमें प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कॉमन रहेगा एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल पी नाउ अब इसमें हम हमारे पास है कि कि किसके होगी अब देखो हमने कहा कि जो है सिर्फ फंडामेंटल मोड का एग्जैक्ट रहेगा दैट्स वाई ये यहाँ पे आपका सेम है एक ही है बट और सबके केस में देखो इट इज डिफरेंट और हम जब एच इसको एल को रिप्रेजेंट करेंगे एल के टर्म्स में अब इसमें एक दे देखो कि एल का टर्म इन द केस ऑफ फर्स्ट वन देख लो फर्स्ट फंडामेंटल मोड है या दूसरा कोई भी केस देख लो एल का है फर्स्ट एल के केस में एल क्या है ज़ीरो एम है आपका वन और जब इसको हम एच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच ई जो है आपका यहाँ पे ऑफकोर्स इट कैन ऑल्सो बी एल एल इज वन और एम इज वन तो डिफरेंस यहां पर आ रहा है जब हम एच ई को एल पी के मोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो एल जो होता है जो इनिशियली आपके पास जो होता है उससे माइनस वन हो जाता है और यहां पर एलपी के केस में और यहां पर बोलो तो प्लस वन हो गया एल है आपका जीरो एल पी के केस में यहाँ पे वन हो गया तो आप जिस तरह से आपको ईजी रहे आप यू कैन है और ई e एच के केस में आप ई e एच का केस देखो कोई भी जिसमें ई एच एग्जिस्ट कर रहा है आ, देखो ये केस देखो इसमें एल पी थ्री वन आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन ये केस हम देखते हैं एल पी थ्री वन एंड एच ई आपका फोर वन और ई EH एच है आपका टू वन तो देख लो यहां पे एल की वैल्यू थ्री एम की वैल्यू वन एल की वैल्यू फोर एम की वैल्यू वन एम की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है फिर एल की वैल्यू टू और एम की वैल्यू वन तो जैसा हमने देखा कि आपका यहां पे एल अगर इसमें जो भी वैल्यू है उसके करस्पोंडिंग एच ई में एल प्लस वन और इसमें फॉर ई एच केस एल माइनस वन अब इसका रिवर्स हम यहां पे कर सकते हैं ई e एच के करस्पॉन्डिंग एल प्लस वन और एच ई के करस्पॉन्डिंग एल वन तो ये चेंज आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा वेन एवर यू आर सींग द पी केस ऑफ द ई एच इन एच ई फील्ड नाउ हेयर आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फील्ड एल पी जीरो वन विच इज अवर फंडामेंटल मोड इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा है फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये है फॉर एल पी वन वन एल पी वन वन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ मैंशन है एंड वी हैव ऑलरेडी हैव दिस इन दिस स्लाइड ऑल्सो एल पी वन वन ये तीनों डिफरेंट ऑफकोर्स रहेंगे बट इसको हम डिजेनरेट मोड मान के क्योंकि प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट सेम है फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑफकोर्स है तो वी हैव रिप्रेजेंटेड इट विद द हेल्प ऑफ एल पी वन वन और तीनों के केस में कैसा होगा आपका फील्ड का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली एल पी टू टू वन ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं almost, that's why इसको हम कह देते हैं कि इट्सरेट मोडिंग द सेम प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट एंड नॉन एग्जैक्ट सोल्यूशन है एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड विथ अ कॉमन एक जनरलाइज टर्म के रेस्पेक्ट में नाउ सोल्यूशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेव गाइड सिलेंड्रिकल वेव गाइड के टर्म्स में जब हम वेव इक्वेश लिखेंगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड एट दिस वन वेयर साई आपका फील्ड का इक्वेशन है जो कि ई और एच कुछ भी हो सकता है जनरलाइज इक्वेशन है ये जब हम ई के फील्ड ई के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो साई कैन भी रिप्रेजेंट ई जब एच के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो साई इज रिप्रेजेंटेड बाई एच आर आपका रेडियल डिस्टेंस है एन वन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीटा इज योर प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट तो ये आपका एक्सप्रेशन है अब प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट अगर वो आपका गाइडेड वेव है गाइडेड वेव है और या वेव इज प्रपोगेटिंग इन द गाइडेड मोड आपका नॉन प्रपोगेटिंग मोड हो सकता है लीकी हो सकता है कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करता है पर अगर गाइडेड कंडीशन है तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए देन ओनली गाइडेड मोड कैन एग्जिस्ट डेट मीन्स जिसमें आपका वेव प्रपोगेट करेगा डैट मीन्स एन टू के एन टू के यानी आपका प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट इन द क्लैडिंग बीटा वेव का प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट जो जनरलाइज्ड पहले से एन वन के प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट इन द कोर तो आपका जो प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट जो कोर में है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और सोल्यू इसका हम जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ये आपके इस फॉर्म में होगा अब साई रिप्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल कर रहा है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का द डिपेंडेंस ऑन फाइव गिवस ऑफ रेडियल ऑर्डर एल एल के रेडियल आपका फाइव पर डिपेंडेंट है एंड रेडियल ऑर्डर आर तो इसके अकॉर्डिंग कितना फाइबर्स आपका सपोर्ट कितना कर सकता है ये हम डिसाइड कर सकते एक फाइबर नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स को सपोर्ट कर सकता है एंड दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल कि जितना सेटिस्फाई करे कंडीशन को उस कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए एल की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे वी कैन हैव द नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स अ फाइबर कैन सपोर्ट अंडर द प्रोवाइडेड कंडीशन अगर हमने उसे ई फील्ड के टर्म्स में लिखा तो दिस वन कोर्स ये हमारा जो इक्वेशन है ये बेसल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन जो होगा अफकोर्स इन द टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शंस तो आपका सोल्यूशन जो बेसल फंक्शन का है वो डिनोट करते हैं जेड एल जे एल जे एल में और विथ रिस्पेक्ट टू आर इसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जब आपका फील्ड मैक्सिमम होगा एट आर इक्वल टू जीरो ऑफकोर्स रेडियस जब आपका जीरो है तो वो ज, आपका मैक्सिमम है एज इट मूव्स फर्दर टुवर्ड्स द क्लाइडिंग आपका जो वेव है आपकी जो फील्ड है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू दिस कि आपके क्लाइडिंग में आपकी फील्ड नहीं होती है वेव की प्रोपोगेशन नहीं होती है मैक्सिमम इज इन द कोर रीजन दैट वीज वैन आर इज इक्वल टू जीरो दैट्स वाई आप देख रहे हो जब जे जीरो का है जे जीरो कंपोनेंट है हमने एल की बहुत सारे वैल्यूज के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट हुआ है अभी जब ग्राफ प्लॉट हुआ तो वी कैन सी सिर्फ जीरो का केस है इट हैज गॉट द मैक्सिमम वन यू का जीरो का ये है अब वन का लिटिल बिट रिड्यूस्ड देन जीरो सेकेंड का थर्ड का और रिड्यूस तो जैसे जैसे हम ये करेंगे कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को रेडियस uh, को इंक्रीज करते चले जाएंगे आर की वैल्यू को वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैक्सिमम आपका जीरो पे एंड आफ्टरवर्ड्स वो रिड्यूस होता चला जाएगा बट ये आपका जनरलाइज्ड है तो इसमें आपको हर एक कंडीशन का अलग अलग देखना पड़ रहा है बट एक मॉडिफाइड वर्जन फंक्शन का ग्राफ का आया जिसमें एक से हम रिप्रेजेंट कर दें जिस इन द फॉर्म ऑफ के सारे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में तो एक्सपोनेंशियल डी के होता ही है इन द मैक्सिमम इन द सेंटर एंड एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्लैडिंग इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और इसके सोल्यूशन जब बेसल फंक्शन का हुआ तो वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कोर एज थ्रू दिस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्लैडिंग थ्रू दिस इक्वेशन

डब्लू हमने जब किया दैटर इम्पोर्टेंट वैल्यू रिलेटेड टू ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डेट इज अवर नॉर्मलाइज वी नंबर नॉर्मलाइज वी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये वैल्यू डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर वेव गाइड में कितने मोड्स ट्रेवल कर रहे हैं ऑलरेडी वी हैव देख इसमें हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन डिसाइड करता है जिसमें का ये इक्वेशन डिसाइड करता है कि कितने मोड्स uh, आपके एक पर्टिकुलर वेव गाइड में ट्रैवल कर रहे हैं और uh, इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स क्योंकि वो फिक्स्ड रहते हैं वो वैरी नहीं कर सकते कैलकुलेट हम, हम कर सकते इनफाइनाइट नहीं होते फाइनाइट होते हैं तो इसी के बेसिस पे सारे कैलकुलेशंस निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ये फर्दर हम नेक्स्ट अब लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हाउ दिस वी नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द ऑप्टिकल फाइबर सो दिस वैल्यू गिव एंड व्हेन वी सॉल्व इट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन आपके पास यू और डब्ल्यू की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है आप इसके स्क्वायर कीजिए इसका रूट कीजिए इसको यू का स्क्वायर कीजिए डब्लू का स्क्वायर कीजिए एंड देक रूट ऑफ यू स्क्सल आप जब इसको सोल्व करिएगा नंबर वी नंबर बेसिकली एक नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी का पैरामीटर है तो जब भी हम नॉर्मलाइज वर्ड यूज करते हैं क्योंकि आपको फर्दर क्लासेस में भी यूज होगा नॉर्मलाइज वर्ड नॉर्मलाइज वर्ड होता क्या तो नॉर्मलाइज वर्ड होता है क्या कि जब हम पर्टिक किसी वैल्यू का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल हो रहा है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं वोल्टेज की नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं तो नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी दैट मींस नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई इट्स मैक्सिमम वैल्यू एनीथिंग अगर यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को ले लिया किसी भी वैल्यू के टर्म्स में कह सकते हैं कि वैल्यू एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय इट्स मैक्सिमम वैल्यू गिव्स द नॉर्मलाइज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच आर एग्जिस्टिंग इन द पर्टिकुलर फाइबर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर तो वो हमें बताता है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज एक्सप्रेसड एज दिस वन, इन द प्रीवियस स्लाइड हमने ये वैल्यू निकाली थी अब इस पे बेसिस पे आप देख सकते हो टू के इज रिप्रेजेंटेड टू पाई एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर ऑफकोर्स टू पाई बाई लैमडा ए एंड दिस वन अवर एन ए एंड दिस इक्वेशन

वैल्यू ऑफ द फाइबर फॉर सिंगल मोड एंडी मोड प्रशन इन ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड और मल्टी मोड के, के लिए लिमिटिंग पैरामीटर है बिकॉज सिंगल मोड में जब सिंगल फाइबर प्रोपोगेट कर रही है तो वी नंबर ऑलवेज सटिस्फाई दिस कंडीशन फॉर एस एम दैट इज a single mode. मल्टी मोड के लिए fiber fixed रहता है तो आप जब भी इसको ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेश न्यूमेरिकल अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कुछ numericals रिलेटेड ऑन वी नंबर तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इट्स इसका टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर जीरो फाइव ये फिक्स्ड वैल्यू होती है इट नॉट चेंजेस नाउ लीकी एंड द गाइडेड मोड ऑफ़ कोर्स गाइडेड मोड जब वेव प्रपोगेट कर सिग्नल प्रोपोगेट कर रही है वेव प्रोपोगेट कर रही है रे प्रोपोगेट कर रही है एनी टर्म्स वी कैन यूज तो अगर जब सिग्नल आपके वेवगाइड गाइड में प्रोपोगेट कर रही है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द गाइडेड मोड अब गाइडेड मोड जब है इन दैट केस This condition has to be satisfied that is N2K that is propagation constant of the cladding should be less than the propagation constant of a wave and that should also be lesser than the propagation constant of the uh, core. The core should have the maximum propagation constant. A um, cutoff condition. कट ऑफ कंडीशन क्या होगी जब कोजन बीटा आपका प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोपेशन कॉन्सटेंट ऑफ द क्लैडिंग दैट इज वेन बीटा शुड बी इक्वल टू एंड टू के द मोड फेज वेलॉसिटी इज इक्वल टू द वैलॉसिटी ऑफ द लाइट इन द क्लैडिंग एंड मोड इज नो लॉन्गर प्रॉपरली गाइडेड ऑफकोर्स कट ऑफ कंडीशन है तो उस केस में प्रॉपरली गाइडेड तो होगी नहीं इस केस में जो मोड की फेज वेलासिटी है दैट इज इक्वल टू द वैलॉसिटी ऑफ लाइट इन द क्लैडिंग प्रपोगेशन कॉन्स्टेंट सेम है तो उस केस मेंसिटी ऑफ द मोड शुड बी इक्वल टू दसिटी ऑफ लाइट इन द्लैडिंग मोड इज नो लॉन्गर प्रॉपरली गाइडेड और इन दिस कंडीशन मोड इज सेट टू बी कट ऑफ एंड द आइजन वैल्यू आइजन वैल्यू हमने यहां देखी थी दिस आर दर आइजन वैल्यूज तो इन दिस केस द आइजन वैल्यू डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो अब अनगाइडेड मोड दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएशन और द लीकी मोड जब आपका वेव गाइड से आपका ये वेव गाइड है और आपका क्लैडिंग के अंदर वो बीच में सैंडविच है अब इसमें वेव को प्रोपोगेट करना है और जब तक ये इस पर प्रपोगेट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द गाइडेड बट अगर ये इसको क्रॉस करके इट्स मूव टूवर्ड्स द क्लैडिंग देन दैट इज कॉल्ड द वेव रेडिएट हो गई रेडिएट हो रही है ये प्रपोगेट नहीं किया उस समय वो रेडिएट हो गई या फिर वो लीक कर गई क्योंकि तो उसे प्रोपोगेट करना था कोर में एंड इफ इट मूव टुवर्ड्स द क्लैडिंग दैट इज मिट इज लीकिंग फ्रॉम द कोर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अनगाइडेड वेव इज जनरली कॉल्ड एज द रेडिएशन और द लीकी मोड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो कट ऑफ यहां पे आप देख रहे N2K. N2K हो बीट बीटा शुड बी इक्वल टू एन टू के एन टू के का जब इक्वल होगा तो डेट इज कॉल्ड द कट ऑफ कंडीशन और अगर बीट और इसमें है प्रपोगेशन कांस्टेंट से आपका जो फ्रीक्वेंसी शुड बी बिलो कट ऑफ तो ये कंडीशन डेट मीन्स बीटा शुड बी ग्रेटर देन एन टू आपका ये कट ऑफ कंडीशन से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वेयर बीटा शुड बी लेस देन एंड टू के हेंस डब्ल्यू जो होगा आपका जो आइजन वैल्यू है डेट शुड बी इमेजनरी वे प्रपोजन डज नॉट सीज एप्रोपली बिलो कट ऑफ ऑफ कोर्स बिलो कट ऑफ कोई भी आपका वेव प्रपोगेशन प्रॉपरली दिखेगा नहीं मोड्स एग्जिस्ट नियर द कोर क्लैडिंग इंटरफेस मोड जो है वो एग्जिस्ट करेगा कोर क्लैडिंग इंटरफेस का बट दैट इज नॉट उसके बियॉन्ड नहीं दिखेगा प्रॉपर एंड गाइडेड मोड गाइडेड मोड के लिए ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे गिवन है द बीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड के यहाँ पे लेस पावर बिल्ली प्रोपोगेटेड इन क्लैडिंग

And the radiation, mo radiation mode beta should be less than n2k, and for guided mode beta should be greater than n2k. So, are is the thing for the cylindrical fiber mode. So, in this lecture, what we have discussed in this particular lecture, we have discussed about the cylindrical fiber modes. उसके बेसल फंक्शंस उसके बाद उसके सोल्यूशंस एंड आफ्टर दैट वी नंबर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी हैव टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी नंबर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी एंड आफ्टर दैट उसके प्रपोगेशन के करस्पॉन्डिंग कैसे हम डिसाइड करते हैं कि विच मोड इज द लीकी मोड एंड विच मोड इज द गाइडेड मोड एंड वाट इज द कंडीशन फॉर द कट ऑफ सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू डेज लेक्चर